तब हम लगातार पिछले दिनों से जिस दिन से ये ऑर्डर जारी हुआ है तुगलकी फरमान, हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे दोबारा सोचा जाए। इस बैन की कोई जरूरत नहीं है। आर्मी ने खुद कहा है कि वो इस बैन को नहीं चाहते। आर्मी ने खुद कहा है कि उन्होंने हाईवे बैन की मांग नहीं की। हमने आज एक छोटा सा एहतजाज रखा गवर्नमेंट को ये कहने के लिए कि मेहरबानी करके अपना ये ऑर्डर जो है इसको वापस ले लीजिए और लोगों को हाईवे पे चलने की खुली इजाजत। इस सब तो पहले ही नुकसान हुआ, फ्रूट का नुकसान हुआ है, इससे यहाँ का बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। जम्मू से माल आ रहा है, गाड़ी रास्ते में बंद, सब्ज़ी गाड़ी रास्ते में बंद होती, सब्ज़ी ख़राब होती है, इससे जम्मू वालों का भी नुकसान है, कश्मीर वालों का भी नुकसान है। मैंने देखा है एक पटन से आया था यहाँ, उसको जाना था सोपुर, वो बेचारा उसने गाड़ी को हाथ दिया था यहाँ हामरे तक, हामरे से वो बेचारा पैदल आया और उसकी छोटी बेटी साथ ही हाथ में, वो चल रहा था बेचारा, इतना थक चुका था फिर पैदल के लिए वो जा रहा था सोपुर। अब मेरे लिए वो मुश्किलात नहीं, हमारे पास गाड़ी है, उसके पास भी गाड़ी है, आम इंसान के लिए इतना मुश्किल है जितना आप सोच भी नहीं सकते। कश्मीर भारत का अटूट अंग बताते हैं, अटूट अंग के साथ ऐसा सलूक मेरे ख्याल से ठीक नहीं।